गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के अंतर्गत आई जिसको हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं अब वर्ल्ड ग्रुप वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स में हम पढ़ेंगे आई जिसको हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के नाम से जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय विकास समूह बैंक तो जान लेते हैं कि आई बेसिकली है क्या द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आई एक अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कंसेशनल लोन देने का काम करता है पुअरेस्ट कंट्रीज को जो देश गरीब हैं उनको आई डी कंसेशनल रेट पे लोन प्रोवाइड करता है द आई इज़ अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप आई वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है इसका हेडक्वार्टर हमारा है वॉशिंगटन डीसी इसको इस्टब्लिश किया गया था 8 नवंबर 1960 में दूसरा टू कॉम्प्लीमेंट द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बाय लैंडिंग टू डेवलपिंग कंट्रीज इसका मेन उद्देश्य था कि जो पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पे डेवलपमेंट कम है जहाँ देश की जो नेशनल इनकम है उस जिस देश में नेशनल इनकम कम है जहाँ पे गरीबी है उन देशों को ऋण प्रोवाइड करना इट वॉज स्टार्टेड टू प्रोवाइड फाइनेंस टू लेस डेवलपिंग डेवलप्ड मेम्बर्स ऑन अ सॉफ्ट लोन बेसिस इसको इसी उद्देश्य के संग स्टार्ट किया गया था ताकि जो लेस डेवलप्ड मेंबर हैं उन्हें लोन दिया जा सके और आई के द्वारा इन मेंबर कंट्री से जो लोन दिया जाता है वो सर्विसेज चार्ज पे लोन दिया जाता है एंड इट ऑफर कंसेशनल लोन ये कंसेशनल लोन देने का काम करती है देश के गरीब कंट्रीज को ऐसे विकासशील ऐसे विकसित देश और ऐसे अंडर डेवलप कंट्रीज इस्टेब्लिश इन यह नाइनटीन सिक्सटी वही चीज़ है नाइनटीन सिक्सटी में इस्टेब्लिस हुआ इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डी सी में है इसके मेम्बरों की संख्या एक सौ तिहत्तर है इसके प्रेजिडेंट जिम योंग किम है और इट द वर्ल्ड बैंक फंड फॉर द पुअरेस्ट कंट्री और ये वर्ल्ड बैंक के माध्यम से गरीब देशों को ऋण देने का काम करता है प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हेल्थ एजुकेशंस आई के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेशन के रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए एंड इट इंक्लूड एट्टी टू कंट्रीज एंड फोर्टी ऑफ दैम इन अफ्रीका बयासी कंट्री ऐसे हैं जिसमें से चालीस अफ्रीकन कंट्रीज हैं कैपिटल रिसोर्स ऑफ आई डी ए आई डी ए की कैपिटल कैसे आती है कैपिटल का कैसा रिसोर्स है आई डी ए का तो आई डी ए की जो कैपिटल है वर्ल्ड बैंक के द्वारा वो एक बिलियन है यूएसडी जो डिवाइड है अड़सठ कंट्रीज में डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ टू डिपॉजिट डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उन्हें दस परसेंट शेयर्स देना पड़ता है एक्सचेंजिबल करेंसीज़ में रेस नाइन्टीन परसेंट शेयर्स डिपॉजिटेड बाय डेवलप कंट्रीज जो रेस नब्बे प्रतिशत शेयर्स जो आता है वो डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है एक्सचेंजेबल करेंसीज में पांच इंस्टॉलमेंट्स में एंड डेवलपिंग कंट्रीज पे इन फाइव इंस्टॉलमेंट इन दियर ओन करेंसी और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो पे करते हैं फाइव इंस्टॉलमेंट में वो खुद की करेंसी में पे करते हैं दिट इड नॉट रिक्वायर एनी यूएसडी दे आर नॉट गोइंग टू पे इन यूएस डी दे हैव टू पे इन देयर ओन करेंसी फंक्शन पहला जो फंक्शन है आई डी ए का द्रेडिट इज इंटरेस्ट फ्री जो लोन दिया जाता है वो फ्री होता है इंटरेस्ट एक स्मॉल चार्ज लिया जाता है तीन से चार परसेंट का आई डी ए के द्वारा इज पेबल ऑन द एमाउंट विद ड्रॉन ऑन आउटस्टैंड टू कवर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस वो जो अमाउंट लिया जाता है जो सर्विसेज चार्ज लिया जाता है वो पेबल होता है जो अमाउंट विड्रॉ करता है मेंबर कंट्रीज और उसके द्वारा उस सर्विसेज चार्ज के द्वारा आईडी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज को कवर करने का काम करता है रिपेमेंट पीरियड इज लॉन्ग जो इसका रिपेमेंट पीरियड होता है भुगतान करने का अवधि वो पचास साल की है और जो इनिशियल अमाउंट ये देता है वो दस साल के लिए देता है एंड द अमाउंट बोरोड इज रिपेबल और जो रिपेबल होता है बोरोड अमाउंट उसकी लिमिट होती है चालीस साल तक यू कैन पे द होल अमाउंट इन फोर्टीन ईयर्स चालीस साल तक भी आप पे कर सकते हो नेक्स्ट आई ए फाइनेंस नॉट ओनली द फॉरन एक्सचेंज कंपोनेंट बट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक कॉस्ट आई फाइनेंस करता है फॉरेन एक्स ना ही ना केवल फॉरेन एक्सचेंज में बल्कि डोमेस्टिक कंस को भी पे करने का काम आई के द्वारा किया जाता है द क्रेडिट कैन ऑल्सो भी पेड इन लोकल करेंसी क्रेडिट पे किया जाता है मेंबर कंट्री को उनकी देर लोकल करेंसीज में दस द रिपेमेंट ऑफ लोन डज नॉट बर्डन ताकि जो कंट्रीज हैं उस पर किसी भी तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट पर कोई बर्डन ना पड़े इसीलिए उनके द्वारा जो लोन का रिपेमेंट किया जाता है वो उनकी डोमेस्टिक करेंसी में पे किया जाता है नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हम बात कर लेते हैं आई बेसिकली प्रोवाइजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लेव डेवलप कंट्रीज आई डेवलपमेंट के लिए ऋण देने का काम करता है इजी टर्म्स में उन लेस डेवलप कंट्रीज़ में जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है जहाँ पे विकास कम है फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ ईस्ट अफ्रीका वेस्ट अफ्रीका विथ आल्सो इंक्लूडेड घाना नाइजीरिया जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है जहाँ पे गरीबी ज़्यादा है तो उस लेस डेवलप कंट्रीज़ के लिए आई के द्वारा लोन दिया जाता है और आई डी सर्विस चार्ज लेता है नेक्स्ट हमारा है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई के माध्यम से प्रमोट किया जाता है देश के विकास को सो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड कंज इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड सो आई उस लेस डेवलपमेंट कंट्रीज़ की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करता है उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करके इजी टर्म्स में ताकि उस देश की जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी उत्पादन क्षमता बढ़े और वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो नेक्स्ट फाइनेंस अरेंजमेंट फॉर इजी क्राइटेरिया टू अरेंज फाइनेंस इजीली फॉर अंडर डेवलप कंट्री इन अनदर वर्ल्ड प्रोवाइड सॉफ्ट फाइनेंस तो आई डी ए के द्वारा सॉफ्ट लोन प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंस का अरेंजमेंट किया जाता है उन पुअर कंट्रीज़ पे कंसेशनल रेट पे सो दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी पॉसिबल एंड देयर लिविंग एंड स्टैंडर्ड कैन भी इंप्रूव एंड आईटी बेसिकली प्रोवाइड असिस्टेंट आई डी ए के द्वारा असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस देश की गरीबी को कम किया जा सके नेक्स्ट आई डी ऑल्सो प्रोवाइड लोन एट कंसेशनल रेट मैं बता चुका हूं कि आई डी ए के द्वारा कंसेशनल रेट पर लोन दिया जाता है आई डी ऑल्सो लैंड लोन फॉर अ लॉन्गर पीरियड लॉन्गर पीरियड वी कैन से दैट फोर्टी ईयर्स के लिए लोन देने का काम करता है जिसे हम दस से चालीस साल के अंतर्गत पे कर सकते हैं इट इस्टेब्लिश फॉर द हेल्प आई की स्थापना का मुख्य उद्देश्य गरीब कंट्रियों की मदद के लिए किया गया इस उद्देश्य के साथ ही आई की स्थापना की गई आई डी ए बेसिकली ऑल्सो प्रोवाइड इकोनॉमिक मैनेजमेंट सर्विसेज एज टू दो रिलेटिंग टू हेल्थ जिसका संबंध हेल्थ से है तो आई डी हेल्थ के लिए भी फाइनेंस करने का काम करता है एजुकेशन के लिए भी ऋण देता है न्यूट्रिशंस के लिए भी और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए भी आई डी के द्वारा ऋण प्रोवाइड किया जाता है उन कंट्रीज में उस अंडर डेवलप कंट्रीज़ में जहाँ पे डेवलपमेंट छोटे पैमाने पर पे है पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी आई डी ए के द्वारा मेंबर कंट्रीज को समय समय पे एडवाइस दी जाती है और समय समय पे आईडी उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करने का भी काम करता है कंसेशनल रेट पे थैंक यू क्लास